गुड मॉर्निंग मित्रों, जो पैडोलॉजी में जो कुछ नए एजुकेशन टेक्निक्स आए हैं उसके बारे में हम आप जानना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो स्कूलों में महाविद्यालय में ई कंटेंट कैसा डेवलप करते हैं और उस ई कंटेंट के माध्यम से कुछ विषय को हम समझना चाहते हैं। यहाँ पर इस शो के माध्यम से जो कुछ यहाँ पर आए लोग हैं तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो ई कंटेंट का जो विषय है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसके बारे में छात्रों को ई कंटेंट के माध्यम से कैसे सिखाना है, ये आपको इसका एक उद्देश्य रहा है। और पहला जो मैं यहाँ पर इस विषय के अनुरूप सर जी को मैं पहला प्रश्न पूछूंगा कि क्या सर जाति पर आधारित आरक्षण खत्म करना चाहिए? धन्यवाद सर जी। यस, जाति पर आधारित ये जो आरक्षण है वो खत्म करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे डिस्कोर्स हुए हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है रिजर्वेशन पॉलिसी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई है उसी वक्त की जो सोच रही थी कि ये पॉलिसी जाति पर आधारित क्यों अडॉप्ट की गई थी। इसके लिए हम सभी को भारत की ये इतिहास की ओर पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो स्टार्टा है लोअर स्टार्टा जिसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी कहते हैं, इन लोगों का ये जो तबका है इनका एक्सप्लॉयटेशन जाति के आधार पर हुआ है या उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है इसी आधार पर हुआ है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप सही ढंग से दे पाओगे तो मेरे ख्याल से शायद इसी का जवाब यही आएगा कि इन लोगों की जाति है ना निचले स्तर पर है और इसलिए उनको कम से कम अपॉर्चुनिटी दी गई है। इस व्यवस्था की ओर से उन्हें साइडलाइन करवा दिया है, उन्हें अंडर एस्टिमेट करवा दिया है या उन्हें ओवर रूल करवा दिया है। अगर ये जाति के आधार पर अगर ये सब हुआ है तो शायद उन्हें रिजर्वेशन देने का जो मुद्दा है वो मुद्दा जाति जो निकस है वो जाति कंफर्म किया गया है। अगर वो निकस जाति कंफर्म है इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है तो फिर ये जो सवाल आपने उठाया है मेरे ख्याल से तो वो ये सवाल शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा मेरा यहाँ कहना है कि भारत में क्लास नहीं है। नो, देर इज नो क्लास इन इंडिया। ये जो आप सोच रहे हैं क्लास इटसेल्फ इज एन यूरोपियन एंटिटी और यूरोपियन टर्म, इट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। ओके सर, दूसरा प्रश्न मैम से पूछूंगा, क्या मैम आरक्षण को नए चश्मे से देखना चाहिए आज किसी में रहो में? अगर भारत की हिस्ट्री हम देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस वक्त की जो जरूरतें थी उसी हिसाब से और आगे की पीढ़ियों को कहाँ तक ले जाना है उन्हें कितना बेनिफिट मिलना चाहिए इसी हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण जाति के आधार पर। लेकिन अगर अब हमारी नई सोच में जाति ही खत्म करने की बात आती है तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमें आरक्षण चाहिए तो जाति आधार पे चाहिए या इकोनॉमिकल। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमें जाति का मूल समूल नष्ट करना है, जाति नष्ट करनी है, तो जाति पे आरक्षण नष्ट करके अभी जो सामने इकोनॉमिकल बेस अगर आरक्षण देते हैं तो जातियों के जो अंतर जो चल रहा है जो कुछ तो वो खत्म हो जाएगा। जातियां खत्म होने में ये ज्यादा अच्छा रहेगा और इकोनॉमिकल बेस जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं कोई सी भी जाति के लोग अगर इकोनॉमिक बेस अगर हम आरक्षण देते हैं तो आज की परिस्थिति में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में क्लास नहीं है जाति है तो आरक्षण जाति से अलग रहना चाहिए ऐसा कुछ। अगर हम मानते हैं कि जाति खत्म करनी चाहिए देखो लेकिन इकोनॉमिकल बेस का जो फाइंड आउट का कैसे करेंगे उसको कैसे खोजेंगे कौन गरीब है कौन अमीर है कैसे खोजेंगे उसका क्या निकष क्या है क्राइटेरिया क्या है उसका? आज ये बात हमारी नहीं निकष तय करना ये गवर्नमेंट ने
कुछ कुछ क्राइम रहता ही अभी देखो नए अगर कुछ ढंग से हमें आगे जाना है तो कुछ क्राइटेरिया डेवलप करने पड़ेंगे हमें और गवर्नमेंट ने वो तय करने हैं और आगे लेके जाना है। और दूसरी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, तो इस अभी अभी के दौर में हम तो यही कहेंगे कि जागृति अगर हमें समुन्नत करनी है तो हमारा आरक्षण इकोनॉमिक्स लेवल होना चाहिए। बड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे आज का आदमी कल अमीर हो जाएगा या गरीब हो जाएगा। अगर वो अमीर बन जाता है तो उसके बाद उसको उसका लेवल आप ये तय करो और उसके बाद वो आरक्षण बंद कर दो ना, जरूरी नहीं कि एक बार दिए वाला आरक्षण आप कंटिन्यू चालू रहे। ठीक है मैम, आपका दृष्टिकोण समझ में आया। मैडम आपको प्रश्न है कि क्या आरक्षण अवसर है या सामाजिक रिश्ता निर्माण करना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण जो है वो अवसर है, ना कि सामाजिक प्रतिष्ठा का वो कोई अंग है या कोई उससे जुड़ा हुआ या कोई उद्देश्य उसमें नहीं है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और संविधान में आरक्षण की जब बात की गई तो जैसा सर ने बताया और मैडम ने भी कहा कि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से समुदाय या कौन कौन से समाज आज भी हमारे देश में पिछड़े वर्ग हैं और उनमें से कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई उनमें से कोई प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व का मुद्दा है, ना कि कोई उसको इकोनॉमिक बेस दिया जाए, ना कि कोई आर्थिक स्वरूप दिया जाए, ना कि कोई सामाजिक स्वरूप दिया जाए। तो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो समाज का प्रतिनिधित्व करना और उसमें से समाज को आगे बढ़ाना, ये चीजें जो है वो उसमें अभिप्रेत है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ये रिप्रेजेंटेंट का मामला है, मुझे जिनको हजारों साल से रिप्रेजेंट नहीं किया गया उसको रिप्रेजेंट करना है। yes, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है सर, मैं आपके पास डबल आऊंगा। आज का जो सिनेरियो में जो आरक्षण प्रासंगिक है, जो आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, प्रोडक्शन बात करते हैं, इस सिनेरियो में रिजर्वेशन कहाँ पर खड़ा है अभी? अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो रिजर्वेशन की शुरुआत 1950 में हुई है, इंडिपेंडेंस के बाद। तभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिला था और पहली तीन पीढ़ियों में इन तबके में कोई भी एजुकेटेड नहीं था। वो सारा जो बैकलॉग था पूरा पूरा के पूरा खाली था क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड मिल नहीं पा रहा था। 1980 के बाद ऐसे कुछ लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अभी तो शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे लोग अभी उभर आए हैं, 1980 के बाद वो लोग उभर के आ रहे थे। और ओबीसी रिजर्वेशन वो जो 23% का है वो तो 1990 के बाद शुरू हुआ। ऐसे कहे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन शुरू होने के लिए तकरीबन 40-45 साल हुए और वो जो ओबीसी का रिजर्वेशन है 1990 के बाद बोले तो 30 साल उसको हुए है। अगर जिस व्यवस्था ने हजारों साल इस तबके को एक्सप्लॉइट किया है, अगर आप सोचते हैं कि 30-40 साल में पूरा ठीक हो जाए और अगर ये पॉलिसी इकोनॉमिकल बेस पे लाए, मेरे ख्याल से शायद ये बहुत सारी नाइज्जती है इस समाज के साथ। और सोच के बारे में अगर बताए तो अगर ये जो अपने महामहिम राष्ट्रपति है ना वो भी दलित कहे जाते हैं, अगर वो राष्ट्रपति है तो दलित कैसे कह सकते हैं उसको उनको, लेकिन उनको कहा जाता है कि दलित राष्ट्रपति है। इससे ये पता चलता है कि इस सोसाइटी के प्रिमिटिव माइंड में कहीं तो भी सच काइंड ऑफ नौसिया और सच काइंड ऑफ क्या कहेंगे उसको कि वेट, उनके जहन में कहीं तो भी जातिवाद है, इसलिए मानसिकता है जातिवाद है, इसलिए तो लोग उन्हें दलित प्रेसिडेंट कहते हैं। इससे मैं कहता हूं कि यह रिजर्वेशन की प्रासंगिकता आज भी है और शायद मेरे ख्याल से शायद वो कल परसों भी रहे। अगर सर आप अभी आपने कहा कि राष्ट्रपति जी को लोग उसी नजरिए से देखते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि जाति व्यवस्था एक ना नष्ट की जाए। अगर हमें एक देखो, हमें रिजर्वेशन चाहिए या जाति व्यवस्था, ये दोनों मुद्दे अलग अलग है। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे है कुछ समाज में
यानी कि जो उच्च वर्णीय बोलते हैं नीच वर्णीय, ये तो बात ही नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम भी लोग उस दौरे को बार बार तथागतित उच्च वर्णीय, हाँ तथागतित वो तो बार बार दोहराते हैं। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं कि जिन्हें अभी तक आरक्षण से बहुत दूर है, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अब की सिचुएशन में नहीं है, तो उनके बच्चों को आगे लाने के लिए, देखो अगर हमें समाज में जातिवाद खत्म करना है तो जाति बेस आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बात, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में जाति पर आधारित आरक्षण की बात है। ये सही है क्या आप संविधान में अमेंडमेंट लाना चाहती है? ये तो मैं इतना बड़ा सोच मेरी नहीं है, सिर्फ मैं ये कहूंगी कि अगर हमें जातिवाद खत्म करना है, टाइम की मर्यादा रखते हुए मैं मैडम को इंटरप्ट करता हूं, एक मिनट सिर्फ ये बात क्लियर करने दो। अगर हम जाति का खत्म करनी है हमें, तो मुझे ये लगता है कि जाति बेस आरक्षण खत्म करके इकोनॉमिकल बेस आरक्षण अगर लाते हैं तो इस सभी को फायदा मिलेगा, और जिन जातियों को रिप्रेजेंट होना पड़ता है अब भी, तो वो बदलाव लाने में इसकी मदद होगी, ऐसा हम यहाँ एक मिनट का इंटरप्ट करके मैं बोलता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। मैडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 से 45 तक जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनका इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ने के लिए कई सारे प्रावधान हैं। मेरे ख्याल से शायद आप उन प्रावधानों के, और अगर जाती है तो मेरे ख्याल से शायद आप रिजर्वेशन इकोनॉमिकल बेस पे होना चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे। अगर आप शायद एक बार वो जो आर्टिकल 35 है, 36, 37, 42 तक अगर आप सही मायने में जाओगी और उसका उसके बारे में सोचोगी तो आप ऐसा नहीं कहोगी, ऐसा मेरा शायद यहाँ सही है सर, आपका बात ये भी सही होगी, लेकिन अब अभी आपने जो कहा था कि राष्ट्रपति जी को अभी रिप्रेजेंटेड होना पड़ता है, तो ये कहीं पे रोकना है तो हम ये समझेंगे कि जाति पर आधारित आरक्षण छोड़ के अगर हम इकोनॉमिकल लेवल पे आ जाते हैं तो ये जाति खत्म करने में हमें सहायता हो। दोनों के बातों से मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि शोषण जो हुआ है वो जाति पर आधारित हुआ है, इस वजह से रिजर्वेशन भी जाति के आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा एक कंक्लूजन यहाँ पर निकल सकता है। मैं सर जी को और एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जो लास्ट का प्रश्न है, भारत में जब जाति का अंत हो जाएगा तब रिजर्वेशन प्रासंगिक रहेगा या नहीं रहेगा? Yes, it was a dream of Dr. Baba Saheb Ambedkar to create a de-caste society, and then I hope it would be. अगर सोसाइटी डिकास्ट होती है तो आरक्षण तभी खत्म होने में मुझे कोई एतराज नहीं है, आरक्षण का मुद्दा ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। सोसाइटी जब डिकास्ट होगी तब आरक्षण का इश्यू नहीं रहेगा, और जाति ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का कोई सवाल ही नहीं होगा। मतलब जातियां ही समाज में से हट जाती हैं तो उसमें किसी को भी प्रतिनिधित्व देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सरकार ने जाति का उन्मूलन करने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए, लेकिन जो दलितों या पिछड़ों वर्गों के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं करना चाहते तो क्या हो जाएगा? नहीं, डीकास्ट सोसाइटी के बारे में अगर आप जब सोचते हैं ना, तभी वो पूरा क्लास डीकास्ट हो जाएगा, वहीं पे कहीं ऐसी भेदभाव की एक्सक्लूजन नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डीकास्ट होने के बाद इक्वालिटी आ जाएगी। जहाँ पे मतलब जिस समाज में इक्वेलिटी आ जाती है वही तो आरक्षण की कोई बात ही नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, और जो हम जिस इश्यू पे हम चर्चा कर रहे हैं वो भी चर्चा शायद नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चर्चा के कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ कि अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन एक बात मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि सभी जो पिछड़े लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और एक नया देश बनाना है। कुछ देश का हिस्सा जो मेन स्ट्रीम से बाहर गया तो नया भारत नहीं बनेगा। इस बात से मैं सभी चर्चा का मैं यहाँ पर अंत करूँगा और सभी का मैं पुनः एक आभार व्यक्त करता हूँ। इस